नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार, PSSM ब्लेसिंग परिवार, ऑडियो टीम डेरा बस्सी से। दोस्तों, पिछले ऑडियोज़ में हमने प्रेम और आनंद के विषय को गहराई से समझते हुए तीन उपकरणों के बारे में जाना, जिनके द्वारा प्रेम और आनंद की ऊर्जा काम करती है। इसी विषय को जारी रखते हुए ऑडियो नंबर 35 में हम आगे बढ़ेंगे। हम अपना प्रेम और आनंद कैसे बढ़ाएं? नियम ये है कि प्रेम तब बढ़ता है जब प्रेम किया जाता है, आनंद तब बढ़ता है जब दूसरों को ज़्यादा आनंद दिया जाता है। नियम के हमेशा दो पहलू होते हैं, प्रचारात्मक पक्ष और प्रतिबंधात्मक पक्ष। प्रतिबंधात्मक पक्ष कहता है कि जब प्रेम और आनंद के कण मनुष्य के सारे हिस्सों में नहीं घुलते, वह जीवन के तीन मौलिक कार्यों को पोषण नहीं देते और बल्कि वह मानव प्रणाली में असंतुलन पैदा करते हैं। यदि प्रेम और आनंद का सार अवशोषित हो जाए सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर, वह जीवित रहने के लिए सहायता करते हैं पर वह हृदय तक नहीं जाते और व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते, जो है मोती यानी हमारी आत्मा। अगर वह आध्यात्मिक स्तर पर सुंदरता का निर्माण नहीं करते या समय में निहित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं करते, तब संपूर्ण समय मानव का विकास रुक जाता है। प्रेम और आनंद को बढ़ाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जीवन कैसे जीना है और चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, ताकि इन ऊर्जाओं को बढ़ाया जाए। हर एक प्रयास जिससे ऊर्जा को सुसंगत किया जाए, एक उपकरण की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों का निर्माण होना ही चाहिए और इन्हें काम के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि ऊर्जा को एकत्रित किया जाए। पहला उपकरण, भौतिक, सूक्ष्म और मानसिक शरीर का निर्माण। इनका निर्माण तब होगा जब कोई अपनी आदतों से उभर कर एक स्वच्छ जीवन जीने लगेगा, जब वह सारी नकारात्मकता और दर्दनाक भावनाओं को जीत लेता है और जब वह अपनी सोच से सभी हानिकारक विचारों को निकाल देता है। दूसरा उपकरण, हृदय का मध्य भाग, जिसका निर्माण प्रेम की ऊर्जा के माध्यम से पोषित और विकसित होता है। तीसरा उपकरण, आध्यात्मिक त्रय या त्रिकोण का निर्माण। इसका निर्माण एक आनंदमय जीवन के माध्यम से बलिदान पूर्ण सेवा करने से होता है। एक बार मैंने अपने शिक्षक से पूछा, क्या ऐसे भी लोग हैं जो औसत लोगों से ज़्यादा जीते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 125, 150 और 170 साल के हैं। मैंने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जो 400 सालों तक जिए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी नहीं मरे। वह क्या खाते हैं? उनका विशेष खाना है प्रेम, आनंद और कठिन परिश्रम। जितना ज़्यादा प्रेम उतना ज़्यादा आनंद, और जितना ज़्यादा परिश्रम उतना ही लंबा आपका जीवन। इसके बारे में सोचें। वह सब कुछ जो प्रेम और आनंद और परिश्रम के खिलाफ है, वह जीवन को छोटा करती है। सभी प्रकार के हानिकारक विचार, भाव, शब्द और कार्य जो संचित हैं, वह हर साल हमारे जीवन को छोटा करती है और उसे दुखदायी और उदास बनाती है। नफरत, अलगाव, गुस्सा, ईर्ष्या, बदला, द्वेष, बदनामी, कट्टरता, घमंड, यह सभी इसीलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि वहाँ आनंद, प्रेम और परिश्रम का अभाव होता है। आनंद, प्रेम और परिश्रम का अभाव या अनुपस्थिति में अपराध होता है। मेरे एक शिक्षक प्रेम को ऑक्सीजन, आनंद को हाइड्रोजन और परिश्रम को पानी कहते थे, जो फूलों और पेड़ों को खिलने में सहायता करते हैं। इस तरह आनंद अग्नि है और प्रेम अग्नि है, और जब वह सही मात्रा में मिल जाते हैं, वह पानी बनाते हैं जो रचनात्मक अग्नि है।
यह अग्नि हमेशा आगे बढ़नी चाहिए, भौतिक से आध्यात्मिक स्तर और इन दोनों पोल्स के बीच में घूमती रहनी चाहिए। अगर हम इसके द्वारा कोई हानि नहीं चाहते और विनाशकारी रूप से उपयोग नहीं होने देना चाहते, अगर प्रेम और आनंद लगातार नहीं घूमेंगे और उच्चतर स्तरों तक नहीं बढ़ेंगे, वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए, एक महिला आपसे कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको वो सब करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ कि आप करें। आप कहते हैं, एक मिनट रुको, प्रेम समय को थोपता नहीं है। वह आपको समझ नहीं पाती और आपसे नफरत करती है। क्या हुआ? उसने कहा था कि वो आपसे प्यार करती है और अब वह आपसे नफरत करती है। इसका कारण ये है कि प्रेम की ऊर्जा उसके शरीर और भावनात्मक दुनिया में अटक गई है और वह बढ़ नहीं सकती। हर समय में हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे हमारे मित्र। एक समय में हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे हमारे मित्र। वह हमारे दुश्मन इसलिए बने क्योंकि हमने प्रेम की ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, पर प्रेम की ऊर्जा उनमें अटकी हुई थी और वह अलग हित की सेवा कर रही थी। इस प्रकार एक शिष्य जुदास बन जाता है, शराब सिरके में बदल जाती है। हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे बचाना है ताकि प्रेम आनंद की ऊर्जा को अवशोषित किया जाए और हमारे वाहनों में इच्छा शक्ति के पदार्थ को बढ़ाया जाए, ताकि वह इस जीवन में कुछ 100 सालों तक जीवित रहे और अगले स्तरों पर भी जीवन जारी रहे। ऐसे 3 नियम हैं जिनका पालन हम कर सकते हैं। नंबर 1, सभी प्रकार की ऐसी अभिव्यक्तियों को समाप्त करें जैसे नफरत, ईर्ष्या, बदला, डर और लालच। 2, सभी प्रकार की इन अभिव्यक्तियों को समाप्त करें जैसे अलगाव, घमंड और अहंकार। 3, सभी प्रकार की हिंसा और हानिप्रदता को समाप्त करें। इन 3 नियमों से हमें समय को ऐसे काम में व्यस्त करना है जिससे हम ये विकसित करें, जैसे कि माफ़ी, गहरा प्रेम, करुणा, यानी प्रेम को समझना करुणा है, संतोष और कृतज्ञता, समग्रता यानी पूरा भाग। जब यह 3 मानसिक उपकरण काम में लगते हैं, वह अंतरिक्ष में से प्रेम और आनंद के पदार्थ को अवशोषित करते हैं। आज के लिए इस ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में हम कुछ ऐसे व्यवहारिक तरीकों को जानेंगे जिससे प्रेम और आनंद को बढ़ाया जाए। धन्यवाद।